बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है। जो भी हवातीनों हज़रात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं, इंशाल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ की जाएगी। आज मैं आपको सूरह आले इमरान की आयत नंबर 154 का अमल देना चाहती हूँ। इस आयत के पढ़ने से आपको 10 हैरत अंगेज नाकाबिल यकीन फ़ायदे मिलेंगे और इंशाल्लाह ताला इस अमल के करने से आपको बहुत ज़्यादा रोज़ी मिलेगी और गैब से रिज्क का इंतज़ाम हो जाएगा। इस आयत को जो कोई रोज़ाना 1000 बार पढ़ेगा तो रोज़ी ज़्यादा होगी, गैब से रिस्क पहुँचेगा। ये आयत सुम्मा अनज़ाला अलैकुम से शुरू हो के बिज़ात सुदूर पे ख़त्म होती है। जो कोई इस आयत को शहद, मक्खन या मिर्चों पर दम करके खाएगा इसकी कुव्वत बाह में ज़बरदस्त इजाफा होगा। जो शख्स नमाज फजर के बाद रोज़ाना इसको 40 बार पढ़े तो जो कुछ चाहे अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। जिस किसी को बादशाह या अमीर से कोई काम दरपेश हो तो 2 रकत नमाज नफल अदा करके मुसल्ले पर 3 बार ये आयत पढ़कर दोनों हाथों पर दम करके मुंह पर फेरे तो उसकी मुराद पूरी होगी। किसी पर देव, जिन, परी, आसेब का असर हो, बाएं कान में ये आयत पढ़कर दम करें, इंशाल्लाह असर जाता रहेगा। बिच्छू के काटे हुए के सीधे कान में पढ़कर फूंक मारें, सेहत पाएगा। जो शख्स किसी ज़रूरी काम के लिए 15-13 मरतबा पढ़े इंशाल्लाह काम अंजाम बिलखैर होगा। जो शख्स 4 बार पढ़कर हासिद के घर पर फूंक मारे हासिद नाकाम होगा। जो शख्स किसी हासिद पर गालिब आना चाहे तो 12 बार पढ़े हासिद मती हो जाएगा। जो कोई 7 बार पढ़कर किसी मजलिस में आए मजलिस वाले ताजीम करेंगे। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफीद हो सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।